हेलो दोस्तों, मैं हूँ मीर और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक और हाइस्ट मूवी कॉन्ट्राबैंड को। ये मूवी हाइस्ट से ज्यादा स्मगलिंग पर बेस है, लेकिन दोनों में ही ज्यादा फर्क नहीं है। अगर रेटिंग की बात की जाए तो इसे मिक्स रिस्पांस मिला था, लेकिन ऑडियंस ने इसे काफी पसंद किया है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा वीडियो की तरह। मूवी की शुरुआत में ही कस्टम फोर्स समुद्र के बीच किसी बोट को घेर रही थी। तभी बोट के अंदर मौजूद एक लड़का एंडी उन्हें देखकर घबरा जाता है। वो तुरंत अपने दूसरे दोस्त को उठाता है और दोनों मिलकर किसी चीज को एक बैग में भरते हैं। पुलिस नाव पर कुत्तों को लेकर उतर रही थी, लेकिन तब तक एंडी उस बैग को समुद्र में फेंक देता है। दूसरी तरफ एक शादी में हम मूवी के मेन कैरेक्टर क्रिस को देखते हैं। आज उसके दोस्त डैनी की शादी हो रही है। वहाँ क्रिस की वाइफ केट और उसका एक और करीबी दोस्त सेबेस्टियन भी था। सब पार्टी इंजॉय कर रहे थे, लेकिन कुछ देर बाद पता चलता है क्रिस पहले कार्गो जहाज में स्मगलिंग किया करता था। वो स्मगलिंग में सबसे ज्यादा माहिर था, यहाँ तक कि वो फरारी तक भी स्मगल कर चुका है। थोड़ी देर बाद एक आदमी आकर उससे मिलता है। उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है क्रिस के डैड भी स्मगलिंग किया करते थे, लेकिन अब वो इसी काम की वजह से जेल में है। वो आदमी क्रिस को फिर से स्मगलिंग करने कहता है, लेकिन अब उसके दो बच्चे हैं और उसने खुद का सिक्योरिटी अलार्म लगाने का बिजनेस भी शुरू किया है। क्रिस अपने परिवार के लिए स्मगलिंग छोड़ चुका है, लेकिन फिर भी वो आदमी उसे वेलकम करता है अगर वो फिर से काम शुरू करना चाहे तो। दूसरी तरफ एंडी और उसका दोस्त किसी से मिलने जाते हैं। एंडी उन लोगों से कहता है उनके पास कोई चॉइस नहीं थी, इसीलिए उन्हें माल पानी में फेंकना पड़ा। पहले तो लगता है वो लोग मान गए, लेकिन वो अपनी कार से एंडी की कार को टक्कर मार देते हैं। कुछ ही देर बाद क्रिस की वाइफ केट को किसी का कॉल आता है और यहाँ पता चलता है एंडी केट का भाई है। क्रिस और केट तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं। उनकी बातें सेबेस्टियन भी सुन रहा था, इसीलिए वो भी दोनों के साथ जाता है। हॉस्पिटल में एंडी बहाना बना रहा था उसका एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन केट को समझ में आ जाता है वो झूठ बोल रहा है। तब एंडी बताता है वो कुछ स्मगल कर रहा था, लेकिन कस्टम वाले आ गए और उसे वो चीज पानी में फेंकनी पड़ी, और यहाँ पता चलता है वो 5 किलो कोकेन था। ये काम उसे एक टीम नाम के ड्रग डीलर ने दिया था। एंडी को डर था अब वो लोग उसे मार देंगे। बाहर आने पर क्रिस सेबेस्टियन को बताता है एंडी ने ड्रग स्मगल करते वक्त उसे फेंक दिया, अब उसे या तो ड्रग या उसके पैसे भरने पड़ेंगे। क्रिस सेबेस्टियन को उस टीम नाम के ड्रग डीलर के बारे में पता लगाने कहता है। घर जाते समय क्रिस केट से कहता है उसने एंडी को कई बार इन लोगों से दूर रहने कहा था, लेकिन वो नहीं माना। पहले केट को लगता है इसमें वो भी तो मिला हुआ नहीं था, लेकिन क्रिस को इस बारे में कुछ मालूम नहीं था। अब अगले दिन काम करते समय उसे सेबेस्टियन कॉल करता है। दरअसल उसने पता लगा लिया था वो ड्रग डीलर टीम कहाँ मिलेगा। अपना काम खत्म करके क्रिस टीम से मिलने जाता है। वो पहले से क्रिस को पहचानता था क्योंकि उसका भाई और क्रिस साथ में काम कर चुके हैं, लेकिन टीम का भाई मर चुका है। क्रिस उसे कहता है वो उस ड्रग की कीमत चुका देगा, बस वो उसके साले मतलब एंडी का पीछा छोड़ दे। लेकिन टीम कहता है उसके लिए उन ड्रग की कीमत $1 बिलियन है। दरअसल उसे पैसे नहीं, वो ड्रग या उसकी रिटेल कीमत चाहिए। साथ ही वो क्रिस को धमकाता भी है, इसीलिए क्रिस वहाँ से चला जाता है। वो जाकर सेबेस्टियन से मिलता है। सेबेस्टियन दारू छोड़ने की कोशिश कर रहा है। क्रिस बहुत गुस्से में था, अगर अगली बार वो टीम से मिला तो उसे मार ही देगा, लेकिन उसे खून खराबा नहीं करना। सेबेस्टियन के मुताबिक उनके पास एक ही रास्ता है, क्रिस को फिर से स्मगलिंग करनी होगी और वो माल टीम को देना होगा, लेकिन क्रिस फिलहाल नहीं मानता। फिर क्रिस एंडी से मिलने जाता है। एंडी बताता है टीम ने उसके दोस्त को मार दिया है, साथ ही उसके आदमी उसे कॉल करके टॉर्चर करने की धमकी दे रहे हैं, इसीलिए वो यहाँ से भाग रहा है। लेकिन क्रिस उसे रोक लेता है, क्योंकि वो यहाँ से भाग गया तो टीम अपने पैसे उसकी बहन मतलब उसकी बीवी केट से मांगेगा। अब अगले दिन क्रिस टीम के घर पहुँचता है और पैसे देने तक उसे एंडी से दूर रहने कहता है, लेकिन उसे पैसे 2 हफ्तों के अंदर चाहिए। साथ ही टीम केट को भी उल्टा सीधा बोलने लगता है। ये सुनते ही क्रिस उसे मारकर गिरा देता है और उसे अपनी गन से मारने ही वाला था, लेकिन उसकी बेटी बाहर आ जाती है। बच्ची को देखकर क्रिस उसे छोड़ देता है। अब क्रिस के पास कोई और रास्ता नहीं बचता, उसे फिर से स्मगलिंग करनी ही पड़ेगी। अब वो एंडी को लेकर केट से मिलने जाता है। केट एक सलून चलाती थी, वो जाकर केट को बताता है उसे आखिरी बार शिप पर जाना ही होगा। पहले तो केट नहीं मानती क्योंकि उसे क्रिस के पकड़े जाने का डर था, लेकिन क्रिस उसे समझाता है उनके पास कोई और रास्ता नहीं है, इसीलिए केट को ना चाहते हुए भी मानना पड़ता है।
फिर क्रिस अपने डैड से मिलने जेल जाता है। उसके डैड बहुत खुश थे क्योंकि क्रिस ने सभी इल्लीगल काम छोड़ दिए थे, लेकिन वो उसकी सिचुएशन समझ रहे थे कि उसे अपने परिवार को सेफ रखना है। दरअसल क्रिस चाहता था वो उसे उस जहाज पर काम दिलवा दे जिस जहाज पर वो काम किया करते थे। फिर वो जाकर सेबेस्टियन को बताता है उसे जहाज पर काम मिल जाएगा और वो कुछ दिन में पनामा जाने वाला है, लेकिन क्रिस ड्रग्स स्मगल नहीं करेगा बल्कि करेंसी स्मगल करेगा। लेकिन सेबेस्टियन को ये आइडिया पसंद नहीं आता क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन के लिए उसे $15 मिलियन की करेंसी लानी होगी और 15 मिलियन बहुत ज्यादा होते हैं, वो उन्हें जहाज में छुपाएगा कहा। लेकिन क्रिस ने फैसला कर लिया था, वो बस सेबेस्टियन को शिप के क्रू की डिटेल निकालने कहता है। अब शाम तक सेबेस्टियन ने शिप क्रू के बारे में पता लगा लिया था। उनमें एक कुक टेरिक मार्टिन है जो स्मगलिंग में काफी अच्छा है, साथ ही क्रिस उसे बहुत पहले से जानता है। साथ ही वो ओलाफ नाम के एक इंजीनियर को फाइनल करता है। फिर वो पनामा में किसी को कॉल करके $15 मिलियन के नकली नोट एक वैन के साथ रेडी रखने कहता है। फिर उसका शिप के लिए इंटरव्यू होता है, साथ ही उसने नकली नाम से पनामा के पोर्ट से एक कंटेनर किसी वैन के साथ अमेरिका लाने बुक करवा लिया था। अब सेबेस्टियन उसे कुछ कैश लाकर देता है जिससे वो नकली डॉलर खरीद सके। अब उसके जाने का दिन आता है। अपने परिवार से अलविदा लेकर वो एंडी के साथ जहाज के लिए निकलता है। अब कुछ देर बाद उस शिप का कैप्टन जहाज पर आता है। वो अपने साथ एक कारपेट क्लीनर लेकर आया था। उस कारपेट क्लीनर मशीन को भी जहाज पर रखा जाता है। दूसरी तरफ अपने कमरे में पहुंचने के बाद क्रिस पैसे निकालता है जो उसने अपने पेट से बांध रखे थे। फिर दोनों जाकर उन पैसों को फायर एक्सटेंकुलर के बॉक्स में छुपा देते हैं। फिर दोनों वहां से मेस में आते हैं जहां डैनी भी था। वो पहले से इस जहाज पर काम करता है। डैनी वही है जिसकी शादी हमने मूवी की शुरुआत में देखी थी। वहां क्रिस कुक टेरिक और इंजीनियर ओलाफ से मिलता है, लेकिन तभी कैप्टन क्रिस को वहां देखकर भड़क जाता है। दरअसल कैप्टन क्रिस को पसंद नहीं करता क्योंकि वो कभी उसे स्मगलिंग करते हुए पकड़ नहीं पाया था, लेकिन अब वो कुछ कर नहीं सकता क्योंकि कंपनी ने उसे फाइनल किया है, इसीलिए कैप्टन उसे सफाई का काम देता है। अब सुबह उठकर क्रिस कैप्टन के कारपेट क्लीनर से डेक पर सफाई कर रहा था। कैप्टन के बिजी होने पर क्रिस वहां कुछ ढूंढने लगता है। वहां उसे इस शिप का मैप मिल जाता है और वो उसे चुपचाप अपने पास रख लेता है। तभी वहां कैप्टन आता है लेकिन वो उसे देख नहीं पाता। फिर वो जाकर गैस वेल्डिंग का सामान लेता है और जाकर किसी जगह को काटने लगता है। अब अगले दिन वो अपने दोस्तों के साथ था। यहां पता चलता है उसके डैड को और किसी ने नहीं बल्कि इसी शिप के कैप्टन ने जेल भिजवाया था। क्रिस उन्हें बताता है वो लोग पनामा से 15 मिलियन के नकली नोट लाने वाले हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता वो इतना सारा पैसा रखेंगे कहा। तब क्रिस उन्हें उस जगह लेकर आता है जहां कल रात उसने कुछ काटा था। वहां उसने टूल बोर्ड लटका दिया था, लेकिन उसके पीछे 60 फीट गहरा बॉक्स था जो उसे शिप के मैप से पता चला। एंडी अंदर जाकर देखता है लेकिन तभी वहां कोई आ रहा था, इसीलिए सब उस टूल बोर्ड को वहां लगा देते हैं और गार्ड्स के आने पर बहाना बनाकर वहां से चले जाते हैं। अब एंडी रात भर उसी बॉक्स में रहता है। अब अगली सुबह जिम करने के बाद क्रिस उन्हें बताता है वो लोग 300 कंटेनर लेकर जा रहे हैं और पनामा से 500 कंटेनर लेकर आएंगे। उन्हें इतनी ही देर में शहर जाकर पैसों से भरी वैन लेकर आनी होगी, लेकिन ये बहुत कम वक्त है, उन्हें और टाइम लगेगा। इसीलिए क्रिस ओलाफ से जहाज का पिच पॉपुलर खराब करने कहता है जिससे उन्हें कुछ घंटे और मिल जाए। वही दूसरी तरफ टीम क्रिस के घर जाकर केट को पैसों के लिए धमकाता है। इस तरफ जहाज पनामा पहुंच चुका था। क्रिस ओलाफ और डैनी ने पिच पॉपुलर में गड़बड़ करके जहाज को और कुछ घंटों तक यही रुकने का इंतजाम कर लिया था। तभी उसे केट का कॉल आता है। उसका फोन लग नहीं रहा था इसीलिए उसने शिप में कॉल किया। क्रिस उसे सेबेस्टियन को कॉल करने कहता है। फिर केट सेबेस्टियन को बुलाती है। वो केट और बच्चों को अपने घर चलने कहता है ताकि वो वहां सेफ रहे। इस तरफ जहाज पनामा पोर्ट तक पहुंचने ही वाला था। कैप्टन क्रू से जहाज स्लो करने कहता है लेकिन जहाज की रफ्तार कम नहीं हो रही थी। दरअसल डैनी ने कुछ ज्यादा ही ऑयल ड्रेन कर लिया था। अब जहाज किनारे से टकराने ही वाला था। क्रिस और डैनी तुरंत लंगर गिराने भागते हैं लेकिन वो बहुत जाम हो गया था। इधर क्रू किसी तरह जहाज रोकने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ क्रिस हथौड़े से मार मार कर लंगर को फाइनली नीचे गिरा देता है। कैप्टन ने जहाज को मोड़ दिया था इसीलिए जहाज का साइड किनारे से टकराता है जिससे उसके कुछ कंटेनर गिर जाते हैं, लेकिन जहाज किसी तरह रुक जाता है। कैप्टन तुरंत ओलाफ के पास जाकर पूछता है लेकिन वो समझ गया था किसी ने लंगर से छेड़छाड़ की है। इस तरफ क्रिस अपना पैसों का बैग निकालकर एंडी और डैनी के साथ कहीं जाने निकलता है। उसके पास कंटेनर खाली होने और दूसरे कंटेनर लोड होने तक का ही टाइम है, साथ ही ऑयल के लीक होने से उन्हें थोड़ा टाइम और मिलने वाला है। दूसरी तरफ सेबेस्टियन केट और बच्चों को अपने घर लेकर आता है। तभी केट को क्रिस का कॉल आता है। वो बताती है वो सेबेस्टियन के घर पर है और वो भी पनामा पहुंच चुका था। फिर वो उस आदमी के पास पहुंचते हैं जिससे उन्हें नकली नोट और वैन लेनी है। वो उन्हें नकली पैसे दिखाता है लेकिन
लेकिन जब क्रिस उन्हें चेक करता है उसे उन पैसों की क्वालिटी ठीक नहीं लगती, इसीलिए वो उस पर कोई केमिकल डालता है। केमिकल की एक ही बूंद पड़ने पर पैसों का रंग निकल जाता है। क्रिस उस पर भड़कने लगता है क्योंकि उसे इतने घटिया क्वालिटी के नोट नहीं चाहिए थे, लेकिन वो कहता है उसके पास इससे अच्छी क्वालिटी के पेपर नहीं है, उसे पिछली बार जैसे नोट चाहिए थे। तब वो बताता है किसी गोंजालो के पास उस क्वालिटी के नोट्स है, इसीलिए क्रिस उस वैन से गोंजालो के पास जाने का फैसला करता है। इस तरफ केट सेबेस्टियन के साथ बच्चों का मैच देख रही थी, तभी क्रिस सेबेस्टियन को कॉल करके बताता है उस डीलर के पास के पैसे ठीक नहीं है। अब कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए सेबेस्टियन उसे ड्रग लाने कहता है, लेकिन क्रिस नहीं मानता, वो ड्रग कभी नहीं लाएगा। वो बस सेबेस्टियन से टीम को उसके परिवार से दूर रखने कहता है। इस तरफ सेबेस्टियन किसी जरूरी काम का बहाना बनाकर वहाँ से कहीं चला जाता है। इस तरफ क्रिस गोंजालो के वेयर हाउस जाने निकलता है। डैनी उसे अभी भी मना कर रहा था क्योंकि गोंजालो बहुत खतरनाक आदमी है और उनके पास शिप पर वापस जाने के लिए 1 घंटे से भी कम समय बचा है। वही शिप में कैप्टन क्रिस को ढूंढ रहा था जो उसे कहीं नहीं मिलता। इस तरफ सेबेस्टियन उस ड्रग डीलर टिम के घर जाता है और उसे केट और बच्चों से दूर रहने कहता है क्योंकि वो उन्हें अपनी फैमिली मानता है। लेकिन यहाँ पता चलता है टिम के पीछे और कोई नहीं बल्कि सेबेस्टियन ही है। उसने ही टिम को ड्रग लाने का काम दिया था और टिम ने वो काम एंडी को दिया। इस तरफ एंडी को टिम का कॉल आता है, लेकिन एंडी फिलहाल उसे इग्नोर करता है। इसीलिए टिम उस ग्राउंड के पास जाता है जहाँ क्रिस के बेटे खेल रहे थे। टिम उनकी एक फोटो क्लिक करता है। इस तरफ डैनी परेशान हो रहा था क्योंकि उसे गोंजालो के पास जाने से डर लग रहा है, लेकिन तभी एंडी को टिम वही फोटो सेंड करता है जिसे देखकर एंडी घबरा जाता है। वो लोग गोंजालो के वेयर हाउस तक पहुंच गए थे। डैनी और क्रिस गोंजालो से मिलने जाते हैं। उनके जाते ही एंडी टिम को कॉल करता है। टिम उसे जाकर किसी से ड्रग खरीदने कहता है, वो भी उन पैसों से जिनसे क्रिस को नकली नोट खरीदने हैं, और उसे धमकी देता है अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो उसके दोनों भतीजों मतलब क्रिस के दोनों बेटों को मार देगा। अब उसे पता था अगर वो यहाँ से पैसे लेकर गया तो क्रिस यही मारा जाएगा, और अगर उसने उन पैसों से ड्रग नहीं खरीदे तो उसके दोनों भतीजे मारे जाएंगे। लेकिन उसे ये नहीं पता था इन सब के पीछे सेबेस्टियन है। इस तरफ क्रिस उस वेयर हाउस के अंदर जाता है जहाँ बहुत सारी अजीब अजीब सी चीजें रखी हुई थी। वहाँ वो नोट भी थे जो उन्हीं क्वालिटी के है जैसे क्रिस को चाहिए। वो डैनी को वैन लाने भेजता है। तभी वहाँ गोंजालो आता है और जैसा उसने कहा था गोंजालो क्रिस को बहुत अच्छे से जानता है। गोंजालो को अलग अलग चीजें कलेक्ट करने का शौक है। वो क्रिस को बताता है वो अभी गन से भरे किसी ट्रक को लूटने जा रहा है और वो क्रिस को भी अपने साथ चलने कहता है। लेकिन इस तरफ जब डैनी उस वैन को लाने जाता है वहाँ ना तो डैनी था और ना ही वो पैसे। इस तरफ सेबेस्टियन को टिम मैसेज करके बताता है एंडी उनका काम कर रहा है। सेबेस्टियन को ये बहुत अच्छे से मालूम था इससे क्रिस मारा जाएगा। इस तरफ डैनी वैन लेकर आता है और गोंजालो उसमें पैसे लोड भी करवा देता है, लेकिन पैसे देने के टाइम डैनी बताता है पैसे एंडी लेकर गायब हो चुका है। अब ये सुनते ही गोंजालो उन पर भड़क जाता है जैसे क्रिस उसे फंसाने आया हो। लेकिन तब क्रिस कहता है वो उसे नोट दे दे, बदले में वो दोनों उसके साथ उस ट्रक को लूटने जाएंगे। तब कुछ सोचने के बाद गोंजालो मान जाता है और उन दोनों की आईडी कार्ड ले लेता है। वही पोर्ट पर उनका टाइम हो गया था, अब उन्हें हर मिनट का फाइन लग रहा था, लेकिन ओलाफ ने बहाना बनाकर किसी तरह शिप को रोके रखा था। वो तुरंत क्रिस को कॉल करता है। इस तरफ क्रिस किसी सफेद वैन में था। वो ओलाफ को और रुकने कहता है। डैनी बहुत ज्यादा घबरा रहा था, तभी उन्हें गोंजालो का कॉल आता है क्योंकि वो ट्रक आ चुका था। अब जैसे ही वो ट्रक पुल से नीचे आता है क्रिस वैन लेकर उस ट्रक के सामने आ जाता है जिससे उनकी वैन पलट जाती है और वो ट्रक भी रुक जाता है। तभी वहाँ गोंजालो और उसके आदमी आते हैं और तुरंत उस ट्रक के गेट पर बम लगाते हैं। कुछ ही देर में उसका गेट उड़ जाता है। तब गोंजालो बाहर आकर सभी गार्ड्स को गोली मार देता है। एंडी और क्रिस अभी भी वैन के अंदर फंसे हुए थे। गोंजालो उस ट्रक में से कोई चीज निकालता है। वही पोर्ट पर टेरिक क्रेन ड्राइवर को रिश्वत देता है ताकि वो कंटेनर देर से लोड करे ताकि उन्हें और ज्यादा टाइम मिल सके। इस तरफ गोंजालो उस चीज को फ्रेम में से निकालता है। वो किसी किस्म का कपड़ा लग रहा था, लेकिन वहाँ पुलिस आ चुकी थी। क्रिस भी वैन में से ये देख रहा था। अब यहाँ गोंजालो के आदमी और पुलिस के बीच गोलीबारी शुरू हो जाती है जिससे एक एक करके गोंजालो के आदमी मारे जा रहे थे। वो कपड़ा अभी भी गोंजालो के हाथ में ही था और ये सब डैनी और क्रिस वैन के अंदर से देख रहे थे। तभी गोंजालो का एक आदमी कार लेकर निकलता है, लेकिन उसे गोली लग जाती है और वो क्रिस और डैनी के सामने क्रैश होता है। अब कुछ ही देर बाद गोंजालो उस कार में आकर उसे स्टार्ट करता है। तभी क्रिस और डैनी निकलकर गोलियों के बीच उस कार में बैठ जाते हैं। पुलिस अभी तक उन पर फायर कर रही थी और एक गोली आकर सीधा गोंजालो के गर्दन पर लगती है, लेकिन फिर भी वो किसी तरह वहां से कार भगा रहा था। वही पोर्ट पर एंडी पहुंचता
है। टेरिक उससे क्रिस के बारे में पूछता है लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता। अब पोर्ट को भी परेशानी हो रही थी क्योंकि वो शिप वहाँ बहुत देर से खड़ी है जिससे वहाँ दूसरी शिप आ नहीं पा रही। इस तरफ गुंजालो इतना जख्मी होने के बाद भी अपने अड्डे तक पहुँच जाता है। अब डैनी और क्रिस को वहाँ से जल्दी निकलना था। क्रिस देखता है गुंजालो मर चुका है लेकिन क्रिस वो कपड़ा भी उठाकर अपनी वैन में रख लेता है। उनकी आईडीज गुंजालो के पास ही है लेकिन तभी गुंजालो उठ जाता है और उन्हें खुद को हॉस्पिटल ले जाने कहता है। इसीलिए वो दोनों उसे उठाकर अपनी वैन में रखते हैं। अब उसके अड्डे पर भी पुलिस आने वाली थी लेकिन जब दोनों वैन लेकर बाहर निकलते हैं गुंजालो मर जाता है। इसीलिए दोनों अपनी आईडी लेकर गुंजालो की लाश को बाहर फेंक देते हैं और पुलिस के उस अड्डे को घेरने से पहले ही दोनों बाहर। लेकिन पोर्ट पर अब टाइम खत्म हो चुका था। सभी क्रू मेंबर शिप स्टार्ट करते हैं। अब टेरिक को ऑर्डर मिलता है अगर बचा हुआ आखिरी कंटेनर शिप पर लोड नहीं हुआ तो शिप उसके बिना ही निकल जाएगी। क्रिस उसे फोन करके कहता है उसे थोड़ा समय और चाहिए। वही कैप्टन अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है अगर अभी कोई क्रू मेंबर शिप पर आए तो उसकी अच्छे से तलाशी ली जाए। वही क्रिस पोर्ट पर पहुंच गया था। दोनों अपनी आईडीज दिखाकर अंदर जाते हैं। क्रिस तुरंत टेरिक को जाकर उस कंटेनर को खोलने कहता है जो उसने नकली नाम से बुक किया था। टेरिक उस कंटेनर को खोलता है और क्रिस सीधा उस कंटेनर के अंदर जाता है लेकिन वैन कंटेनर के गेट से टकरा जाती है। टेरिक उसके गेट बंद करता है फिर क्रेन उस कंटेनर को उठा लेता है लेकिन कंटेनर का गेट खुल जाता है क्योंकि टेरिक के उसे लॉक करने से पहले ही क्रेन ने उसे उठा लिया था। अब वैन पीछे जा रही थी और डैनी गिरने ही वाला था लेकिन क्रिस वैन स्टार्ट करके आगे लेता है और डैनी उसके गेट बंद करता है। अब इस तरफ जैसे ही टेरिक शिप पर जाता है गार्ड उसकी तलाशी लेने लगता है क्योंकि ये कैप्टन का ऑर्डर था। वही ऊपर डैनी किसी तरह गेट बंद करता है और वो कंटेनर शिप पर लोड हो जाता है। अब टेरिक तुरंत उस कंटेनर के पास जाता है। उन्हें उस कंटेनर को सील करना होगा क्योंकि ये कंटेनर सबसे लेट आया था इसीलिए इसे जरूर चेक किया जाएगा। तीनों तुरंत वैन में भरे पैसों को अनलोड करने लगते हैं। वही कैप्टन को कस्टम लास्ट में लोड हुए कंटेनर को चेक करने कहते हैं। कैप्टन अपनी टीम के साथ उन कंटेनर को चेक करने जाता है। इस तरफ तीनों ने मिलकर पैसे निकाल लिए थे और उनके जाते ही वहाँ कैप्टन आता है। क्रिस वैन से हर सबूत और फिंगरप्रिंट मिटा रहा था। इधर कैप्टन एक एक करके कंटेनर चेक कर रहा था। दूसरी तरफ डैनी और टेरिक पैसे लेकर उस बॉक्स के पास पहुंचते हैं जिसे क्रिस ने बनाया है। फिर दोनों टूल बोर्ड हटाकर उसमें पैसे छुपाना शुरू करते हैं। इस तरफ क्रिस का काम भी खत्म हो गया था। उसके बाहर आकर कंटेनर सील करते ही वहाँ कैप्टन आ रहा था लेकिन क्रिस किसी तरह उनके आने से पहले छुप जाता है और उनसे छुपते हुए वहाँ से चला जाता है। फिर कैप्टन उस कंटेनर को खुलवाता है जिसमें उसे एक वैन मिलती है। उस वैन को चेक करने पर उसमें कुछ नहीं था, बस वो कपड़ा था। अब क्रिस जाकर एंडी पर टूट पड़ता है क्योंकि उसने उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया था। वो उससे उन पैसों के बारे में पूछता है। एंडी बताता है उसने उन पैसों से ड्रग खरीदे। क्रिस उसे गालियां दे रहा था क्योंकि वो अपनी जान खतरे में डालकर उसकी ही मदद करने यहां आया है। तब एंडी उसे बताता है टिम ने उसे मैसेज करके ब्लैकमेल किया, अगर उसने ड्रग नहीं खरीदे तो वो उसके दोनों बेटों को मार देगा। उस मैसेज को सुनकर क्रिस शांत होता है और एंडी से माफी मांगता है। कुछ देर बाद क्रिस केट को कॉल करके उसकी और बच्चों की खबर लेता है। इस तरफ सेबेस्टियन केट के कमरे के बाहर से उनकी बातें सुन रहा था। फिर क्रिस जाकर उन ड्रग को भी पैसों के साथ रख देता है। अगले दिन सेबेस्टियन क्रिस को कॉल करता है। क्रिस उसे एंडी के लाए ड्रग के बारे में बताता है और सेबेस्टियन ऐसे बिहेव करता है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं, लेकिन सच्चाई तो ये थी उसने ही इनडायरेक्टली उन ड्रग को एंडी के हाथों मंगवाया था। लेकिन क्रिस कहता है वो ड्रग को पानी में फेंक देगा। अब ये सुनकर सेबेस्टियन परेशान हो जाता है। तभी उसके पास वो आदमी आता है जो क्रिस को मूवी की शुरुआत की पार्टी में फिर से स्मगलिंग करने बोल रहा था और यहाँ पता चलता है सेबेस्टियन को इस आदमी को बहुत सारे पैसे देने हैं। उसने अपना बिजनेस शुरू करने इस आदमी से उधार लिया था जो वो चुका नहीं पाया, इसीलिए उसने टीम के साथ मिलकर एंडी से ड्रग स्मगल करवाए लेकिन एंडी ड्रग ला नहीं पाया। अब उसके पास समय बहुत कम बचा है इसीलिए उसने ये प्लान किया ताकि जल्दी ड्रग बेचकर अपना उधार चुका सके। अब वो आदमी उसे आखिरी वार्निंग देकर चला जाता है। अब सेबेस्टियन एक बार में जाकर टीम से मिलता है और उसे जाकर केट को डराने कहता है ताकि क्रिस उन ड्रग को भी अपने साथ लेकर आए। वही शिप पर क्रिस कपड़े के छोटे बैग बनाता है, साथ ही प्लास्टिक के छोटे बलून भी। इस तरफ केट अपने सलून में थी, वो काफी खुश थी क्योंकि क्रिस वापस आने वाला था। कुछ ही देर बाद उसकी लास्ट एम्प्लॉय भी चली जाती है। तब टीम सीधा उसके सलून में अपनी कार क्रैश करता है और उसे मारकर क्रिस को कॉल करके बोलने कहता है वो उन ड्रग को पानी में ना फेंके बल्कि यहाँ लेकर आए। तभी केट उसे मारकर बाहर आती है। बाहर सेबेस्टियन भी आ गया था। उसे देखकर टीम चुपचाप वहां से चला जाता है।
है। सेबेस्टियन केट को शांत करने गले लगाता है और उसे अपने साथ चलने कहता है, लेकिन केट को उसके मुंह से शराब की बू आती है और वो उस पर ही भड़क जाती है क्योंकि वो नशे में उसके बच्चों को लेकर गाड़ी चला रहा था। इसीलिए केट अपने बच्चों को लेकर अपनी कार में वहाँ से चली जाती है। केट वहाँ से अपनी किसी दोस्त के घर आई थी। वो क्रिस को कॉल करके पूरा मामला बताती है, साथ ही ये भी कि टीम को पता है वो उन ड्रग को पानी में फेंकने वाला है, लेकिन वहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा था इसीलिए कॉल कट जाता है। पुलिस ने केट के सलून में किसी के घुसने की कंप्लेन लिख ली थी और पुलिस अभी केट को अपना बयान देने बुला रही है। उसे माथे पर चोट भी लगी थी, लेकिन यहाँ उनका कोई भी सामान नहीं था। उनका सारा सामान सेबेस्टियन के घर पर है, इसीलिए केट अपना सामान लेने सेबेस्टियन के घर के लिए निकलती है। वही शिप पर क्रिस को नींद नहीं आती। वो एंडी के पास जाकर उससे पूछता है, क्या उसने टीम को बताया वो ड्रग को पानी में फेंकने वाला है? लेकिन एंडी ने टीम को कुछ नहीं बताया था। क्रिस उससे पूछता है, उसने ड्रग किसके पास से ली? एंडी बताता है, किसी रूबिन नाम के आदमी से। तब क्रिस को सब समझ में आ जाता है क्योंकि उसने सिर्फ सेबेस्टियन को बताया था कि वो ड्रग पानी में फेंकने वाला है और रूबिन नाम का ड्रग डीलर सेबेस्टियन को बहुत अच्छे से जानता है। मतलब इन सब के पीछे और कोई नहीं बल्कि सेबेस्टियन ही है। इस तरफ केट सेबेस्टियन के घर अपना सामान लेने पहुंचती है। केट के पास पहले से उसके घर की चाबी थी, इसीलिए वो अंदर जाती है। सेबेस्टियन सो रहा था, इसीलिए केट जाकर अपना सामान लेने लगती है, लेकिन वापस जाते समय सेबेस्टियन उसके सामने आ जाता है क्योंकि वो जाग गया था, लेकिन वो नशे में था और यहाँ उसकी असलियत सामने आ जाती है क्योंकि वो केट के करीब आने की कोशिश करता है क्योंकि वो बहुत पहले से उसे पसंद करता है। लेकिन केट उसकी नीयत समझ जाती है और जाकर खुद को बाथरूम में लॉक कर लेती है। अब बाहर से सेबेस्टियन उसे मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन केट क्रिस को कॉल लगाने लगती है। तब सेबेस्टियन दरवाजे को जोर से धक्का देता है, जिस झटके से केट का सिर बाथरूम के सिंक से टकरा जाता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। अब उसे क्रिस का कॉल आ रहा था। सेबेस्टियन केट को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे समझ में आता है केट मर चुकी है। पहले तो वो बहुत रोता है क्योंकि वो केट को बहुत पसंद करता था, लेकिन तभी उसके मोबाइल पर क्रिस का कॉल आता है। क्रिस उससे कहता है उसे सब पता चल चुका, टीम उसके लिए ही काम करता है। वो सेबेस्टियन को उसकी फैमिली से दूर रहने कहता है वरना वो उसे मार देगा। अब सेबेस्टियन उससे कहता है बस वो ड्रग लेकर आ जाए, लेकिन क्रिस कोई ड्रग नहीं लाने वाला और कुछ ही देर में वो पहुंचने वाला है। अब उसके सामने केट की लाश पड़ी थी और क्रिस आकर उसे छोड़ेगा नहीं, इसीलिए सेबेस्टियन शिप के कैप्टन को कॉल करके बताता है क्रिस स्मगलिंग कर रहा है और वो ड्रग पानी में फेंकने वाला है। अगर कैप्टन उसे ड्रग लाकर देता है तो वो उसे उसका शेयर देगा। कैप्टन मान जाता है और अगली बार से उसे उसके शिप पर स्मगलिंग ना करने की धमकी देता है। अब कैप्टन क्रिस के रूम में तलाशी लेने जाता है। क्रिस अभी भी बोल रहा था उसने कोई स्मगलिंग नहीं की। इस बीच क्रिस और कैप्टन में बहस भी हो जाती है और उसे क्रिस के पास से कुछ मिलता भी नहीं। अब कैप्टन कस्टम वालों को बुलाने की धमकी देता है क्योंकि वो खुद आकर सब ढूंढ लेंगे। अब कुछ देर बाद जब कैप्टन डिनर कर रहा था, क्रिस उसके केबिन में जाकर वहां से कोई चाबी चुरा लेता है और उसके आते ही निकल जाता है। अब वो लोग अमेरिका के बॉर्डर के पास पहुंच गए थे, इसीलिए कैप्टन कस्टम डिपार्टमेंट को कॉल करके बताता है उसके शिप पर कोई स्मगलिंग कर रहा है। अब कस्टम वाले तुरंत बोट और चॉपर से उसकी शिप की तरफ निकलते हैं। वही शिप पर क्रिस कोई चाबी बना रहा था, लेकिन कुछ ही देर बाद क्रिस और उसके दोस्त देखते हैं कस्टम वालों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है। अब शिप के सारे क्रू को एक जगह लाया जाता है ताकि कस्टम वाले शिप को चेक कर सके। अब पोर्ट भी करीब ही था इसीलिए किनारे पर पुलिस भी आ चुकी थी। वही दूसरी तरफ सेबेस्टियन केट को उसके फोन के साथ प्लास्टिक में रैप करता है, लेकिन केट की उंगलियां हिल रही थी, मतलब वो जिंदा है। अब कस्टम वाले पुलिस के साथ मिलकर शिप को चेक करना शुरू करते हैं। उनके पास कुत्ते भी थे जो ड्रग को सूंघ सकते हैं। अब पूरे क्रू को एक जगह जमा कर दिया गया था। कस्टम वाले कुत्तों के साथ पूरी शिप देख रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिल रहा था। यहाँ तक कि क्रिस ने जहाँ नोट और ड्रग छुपाए थे वो जगह भी बिल्कुल खाली थी। तो पैसे और ड्रग आखिर गए कहाँ? उस कंटेनर और वैन को भी चेक किया जाता है, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं था, बस उस कपड़े के अलावा। अब पोर्ट आ चुका था, सभी को चेक करके छोड़ा जा रहा था। कैप्टन भी अपने कारपेट क्लीनर को कार में रखवा कर निकल जाता है। एंडी भी बाहर आता है, लेकिन कुछ दूर जाते ही एक कार में टीम उसका पीछा करने लगता है। एंडी किसी तरह उससे बचकर निकलता है। वही शिप में कस्टम वाले पुलिस के साथ मिलकर क्रिस से पूछताछ करते हैं। दरअसल जिस नाम से वो वैन पनामा से मंगवाने क्रिस ने बुक की थी और वो ही उसे लेकर आया था, वो आदमी मतलब वैन बुक करवाने वाला आदमी 5 साल पहले ही मर चुका है। लेकिन क्रिस कुछ भी पता होने से इनकार करता है क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं है वो ही स्मगलिंग कर रहा था। वो बस क्रिस से उगलवाना चाहते हैं।
लेकिन क्रिस कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। इस तरफ सेबेस्टियन अपने घर से खून के धब्बे साफ कर रहा था, दूसरी तरफ क्रिस को छोड़ दिया गया था। वो चेक पॉइंट पार करके पोर्ट से बाहर आता है, लेकिन वो ड्रग और पैसे कहाँ गए ये हमें कुछ देर में पता चल जाएगा। बाहर आते ही उसके पास टीम आता है, उसने एंडी को भी पकड़ लिया था, लेकिन क्रिस किसी भी ड्रग के बारे में पता होने से इनकार कर रहा था। अब जैसे ही टीम एंडी को मारने की धमकी देता है, क्रिस उसे कार से बाहर खींचकर मारने लगता है। इस बीच एंडी वहाँ से भाग जाता है, लेकिन वो लोग क्रिस को गन पॉइंट पर पकड़ लेते हैं। लेकिन वो कहता है अगर उन्होंने उसे मार दिया तो उन्हें उनकी ड्रग कभी नहीं मिलेगी। दूसरी तरफ सेबेस्टियन केट को अपनी कार में रखकर कहीं ले जा रहा था। इस तरफ क्रिस टीम के साथ था और उसे वहाँ लेकर आता है जहाँ उसकी ड्रग रखी है। वो किसी घर के बाहर रुकते है। क्रिस कहता है ये उसके किसी दोस्त का घर है जिसके पास उसने ड्रग छुपाई है। क्रिस के पास उस घर की चाबी पहले से थी, लेकिन उसके दरवाजा खोलने से पुलिस के पास सिक्योरिटी अलर्ट बज जाता है। पुलिस उस घर की ओर निकल गई थी। इस तरफ क्रिस उस घर से होते हुए घर के गैराज में जाता है जहां एक कार रखी हुई थी, और उस कार की डिक्की के अंदर वो कारपेट क्लीनर था, और उस कारपेट क्लीनर के अंदर ड्रग थी। ड्रग देखकर टीम उसे वर्ल्ड क्लास स्मगलर कहता है। अब वो ड्रग लेकर उस घर के हॉल में चेक करने लगते है, और इसी बीच बाथरूम का बहाना करके क्रिस गैराज के रास्ते कार लेकर घर से चला जाता है। तभी वहाँ कैप्टन आता है, क्योंकि ये उसका ही घर है और वो कारपेट क्लीनर भी उसकी ही थी। मतलब क्रिस ने उन ड्रग को कैप्टन के पास ही छुपाई थी जिसके बारे में उसे भी पता नहीं था। साथ ही क्रिस ने उसके घर की नकली चाबी बनाई थी। अब कुछ ही देर बाद वहाँ पुलिस भी आ जाती है। अब पुलिस टीम को तो ड्रग के साथ पकड़ती ही है, लेकिन उसके साथ कैप्टन को भी ड्रग का धंधा करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लेती है। अब यहाँ पुलिस कैसे आ गई? तो बहुत सिंपल सी बात है, क्रिस सिक्योरिटी अलार्म लगाने का ही काम करता था। उसे पता था जब इस घर का अलार्म बजेगा तो कितनी देर में यहाँ पुलिस पहुंचेगी। मतलब क्रिस ने एक साथ अपने दोनों दुश्मनों को गिरफ्तार करवा दिया। वही क्रिस केट की दोस्त के घर फोन करता है, क्योंकि केट कॉल नहीं उठा रही, लेकिन वो बताती है बहुत देर पहले ही अपना सामान लेने के लिए केट सेबेस्टियन के घर गई थी। अब क्रिस पहले अपने घर जाता है, लेकिन केट वहाँ भी नहीं थी। इस तरफ सेबेस्टियन अपने काम की जगह आया था और वो केट को जिंदा ही दफनाने वाला था। इस तरफ क्रिस उसके घर पहुंचता है, दूसरी तरफ सेबेस्टियन ने केट को कहीं फेंक दिया था। वही क्रिस को घर पर कोई नहीं मिलता। अब सुबह भी हो गई थी। जैसे ही वर्कर आते हैं, सेबेस्टियन जाकर उन्हें पहले उस जगह सीमेंट डालने कहता है जहां उसने केट को फेंका है। अब वो लोग सीमेंट डालने की तैयारी कर रहे थे और नीचे केट पड़ी थी, लेकिन उस साइड पर क्रिस पहुंच जाता है। उन लोगों ने केट के ऊपर सीमेंट डालना शुरू भी कर दिया था। वही क्रिस सेबेस्टियन के पास जाता है। अब यहाँ दोनों में हाथापाई होती है। क्रिस उससे केट के बारे में पूछता है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा था, और वहाँ उसके वर्कर भी आ गए थे। इसीलिए क्रिस बाहर आकर केट को कॉल लगाता है। अंदर से उसे सेबेस्टियन देख रहा था। क्रिस उसे ध्यान से देखता है, क्योंकि सेबेस्टियन सामने के पिलर में देख रहा था जहाँ केट के ऊपर सीमेंट डाला जा रहा था। साथ ही वर्कर्स को किसी के फोन की रिंगटोन सुनाई दे रही थी। क्रिस तुरंत जाकर सीमेंट के ट्रक को बंद करता है, और उस पिलर के पास जाने पर उसे केट के फोन की रिंगटोन सुनाई देती है। अब वो हथौड़े से उस बॉक्स को तोड़ने लगता है। उसके टूटते ही केट बाहर आती है, लेकिन वो अभी भी बेहोश थी। वहाँ सेबेस्टियन भी आकर बैठ जाता है, क्योंकि उसके लिए अब सब खत्म हो गया था। अगले ही सीन में हम केट को हॉस्पिटल में देखते हैं। उसकी जान बच गई थी, लेकिन उसे होश नहीं आया था, और कुछ ही देर बाद उसे होश भी आ जाता है। दूसरी तरफ डैनी और टेरिक समुद्र के बीच आते हैं, जिसके कोऑर्डिनेट उसे क्रिस ने दिए थे। फिर वो लंगर डालकर वही वेट करने लगते है। अब हमें दिखाया जाता है वो पैसे पानी के अंदर नमक की बोरियों से बंधे हैं, और उनके साथ हवा से भरे डिब्बे भी बंधे हुए हैं। अब कुछ ही देर बाद नमक पानी में घुलने लगता है और सारे पैसे पानी के ऊपर आ जाते हैं। हर जगह बस पैसे ही पैसे दिखाई दे रहे थे। अब डैनी और टेरिक पैसों को बाहर निकालते हैं। अब सेबेस्टियन भी केट को जान से मारने के इल्जाम में जेल जा चुका था। वह पहले से क्रिस के डैड है। अब उनके सेबेस्टियन के सामने से जाने के बाद उसे बाकी कैदी घेर लेते हैं। अब इसके बाद उसका क्या हुआ मूवी में नहीं बताया गया। अब कुछ दिनों बाद कस्टम के गुमनाम सामान की नीलामी हो रही थी, जिसमें वो वैन भी है। उस वैन को जाकर एंडी खरीद लेता है, वो भी सिर्फ $500 में। अब क्रिस और उसके साथी मिलकर उन 15 मिलियन के नकली डॉलर को उसी आदमी को बेचते हैं जिसने सेबेस्टियन को उधार दिया था, वो भी पूरे $3 मिलियन में। अब यह डील के बाद उस आदमी और क्रिस में बातें होती है। वो बताता है कुछ दिन पहले पनामा में एक बहुत ही मशहूर पेंटिंग खो गई थी। वो क्रिस से पूछता है उसे उस पेंटिंग के बारे में कुछ पता है,
क्योंकि ये खबर तो हर न्यूज में थी और क्रिस भी उस समय पनामा के उसी शहर में था। लेकिन क्रिस कहता है उसे पेंटिंग के बारे में कुछ नहीं पता। दरअसल ये वही पेंटिंग है जिसे गोंजालो चुरा रहा था। फिर क्रिस उससे पूछता है उस पेंटिंग की कीमत कितनी होगी। तब वो आदमी बताता है $150 million और ब्लैक मार्केट में कम से कम $50 million। फिर डैनी और क्रिस जल्दी से वहां से बाहर आते हैं क्योंकि बाहर एंडी उसी वैन के साथ उनका इंतजार कर रहा था। क्रिस जल्दी से उस पेंटिंग को देखता है, वो अभी तक उस वैन के अंदर ही थी। तीनों बहुत खुश होते हैं क्योंकि उनका जैकपॉट लग गया था। तीनों जल्दी से वहां से निकल जाते हैं। कुछ समय बाद हम देखते हैं क्रिस उस शहर को छोड़कर अपनी बीवी और बच्चों के साथ कहीं और रह रहा है। उनके साथ एंडी भी है क्योंकि अब वो अमीर हो चुके हैं। और इसी के साथ ये मूवी भी यही एंड होती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही अमेजिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट।